इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर नो डाउट ब्राइट है, मतलब बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बोर्ड अच्छा कर रहा है, पैसा है प्लेयर्स के पास आ गया है। फ्यूचर के कप्तान अगर मैं कहूं कि T20 में किसको देखते हो, वसीम जाफर की सोच से वनडे में, टेस्ट में, या कप्तान एक हो, एक फॉर्मेट का अलग हो? एक नाम तो लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है, अगेन जैसे मैंने कहा, शुभमन गिल इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज गाइज, ऋषभ पंत, मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास भी वो काबिलियत है, वो अथॉरिटी वो दिखाते हैं जब कप्तानी करते हैं। उसके अलावा मैं भी श्रेयस अय्यर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने KKR को लीड किया लास्ट IPL में, ही कुड बी वन ऑफ देम। तो तीन चार नाम है, जसप्रीत बुमराह अगेन इज वन ऑफ देम, सूर्य कुमार यादव अब लीड कर रहे हैं, तो ये चार पांच नाम है। अगेन दैट इज द नॉवेल्टी आई फील जो इंडियन क्रिकेट के पास है, कि इंडिया के पास वो मल्टीपल लोग हैं जो कप्तानी कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो रोहित शर्मा के शूज फिल करना होगा, कि यू नो रोहित शर्मा कमाल के कप्तान है, तो जो भी नया कप्तान आएगा उसके ऊपर वो प्रेशर होगा। बट आई फील इंडिया के पास वो तीन चार नाम हैं जो आई फील वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट सवाल, पंजाब के चैलेंज के लिए तैयार हैं वसीम भाई? आपने सारी जिंदगी क्रिकेट को दी है और कोचिंग का आपको एक्सपीरियंस है, आपको पंजाबी फूड आ रहा है पसंद? अभी सीजन भी आएगा, साग और मक्की की रोटी? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो जब खेलता भी था तो ये पंजाब दिल्ली जो नॉर्थ का जो एरिया है, यहाँ के खाने मुझे बहुत पसंद है, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे अच्छी खातिरदारी हुई है, छोले भटूरे। आपका वेट बढ़ने वाला है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मेरे लिए चैलेंज रहने वाला है। और पंजाबी जो है वो नोन टू बी अ ग्रेट होस्ट, तो वो मुझे ऑलरेडी पता चल गया है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ध्यान रखना होगा अपने वेट का। बट आई एंजॉय जनरली यू नो पंजाबी फूड वेरी मच। वसीम भाई, आपका दौर था कि आप जब इंडियन टीम में आए तो उससे पहले आपके पास एक कितना बड़ा रनों का पहाड़ था, वो एक टेम्परामेंट था, सिलेक्टर बैठ के देखते थे कि यार ये लड़का में क्या टेम्परामेंट है, वो आपकी पारियां वो रिकॉर्ड बुक में है। आज वसीम जाफर इंडियन क्रिकेट में दूसरे वसीम जाफर कौन से हैं जो आपकी नजर में है कि हाँ ये टेम्परामेंट होना चाहिए? देखिए टेस्ट क्रिकेट चलेगी, बेशक हम चार की जगह तीन टेस्ट खेलें, बेशक हम साल में 15 टेस्ट खेलें, 10 खेलें, ठीक है, T20 अलग है, सब कुछ है, शौर्य सब कुछ है, बट टेस्ट चलेगा और एक टेस्ट से पहचान भी बनती है। आपको क्या लगता है कि वसीम जाफर इंडियन क्रिकेट में अब वो कौन कौन प्लेयर है आपकी नजर में? बहुत सारे, टू बी ऑनेस्ट, यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली पहला नाम नजर आता है, शुभमन गिल ऑब्वियसली मुझे नजर आते हैं क्योंकि युवा खिलाड़ी है। उसके अलावा सरफराज, यू नो जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत की, हालांकि वो अब इतने यंग नहीं है, मुशीर खान जिन्होंने कमाल की वो पारी खेली अभी दिलीप ट्रॉफी में। अगर मैं इस टीम में बात करूं तो प्रभ सिमरन, मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में रन बनाए हैं, रणजी ट्रॉफी में 100 भी बनाए, दिलीप ट्रॉफी में 150+ स्कोर बनाए, T20 तो हम जानते ही है। निहाल वडेरा एक मुझे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर लगते हैं कि उनके पास वो काबिलियत है, यू नो उन्होंने भी रणजी ट्रॉफी में 100 बनाए हैं, तो आई फील के ऐसे काफी खिलाड़ी है, रजत पाटीदार एक और देवव्रत पडिकल है। आई फील एज लॉन्ग एज यू नो वो प्लेयर 4-day क्रिकेट खेले और उसमें अच्छा करे, T20 क्रिकेट तो मुझे लगता है कि यू नो सारे ही खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, सारे ही खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं और उनके पास वो प्लेटफॉर्म है, बट आई फील एट द सेम टाइम वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देना भी मुझे बहुत लगता है कि जरूरी है। और BCCI ने भी आई फील एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सारे प्लेयर्स को एडवाइस किए कि आप जाके रणजी ट्रॉफी खेले, ये दिलीप ट्रॉफी में भी हम देख रहे हैं कि सारे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी राइट स्टेप, यू नो जो एक मैसेज पहुंचाता है कि आपको ये 4-day क्रिकेट, ये डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इवेंचुअली आप अगर वो 5-10 साल आप लगाते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू।